ऐसे बता दो। रोटी बेटी हमने जाना है, आज कोरोना फैला हुआ है, एक खौफ है, मौत का खौफ है आने सालवी के अंदर, कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, हर आदमी खौफ है। और जिसको कोरोना हो रहा है उसके सांस की तकलीफ है उसको, अब एक आदमी सांस लेना चाह रहा है और उसका सांस नहीं आ रहा, कितनी मुशक्कत में है, कितनी परेशानी में, इससे आपको अंदाज़ा नहीं है। आदमी को दर्द होता है तो पेन के लिए खा लेता है, हाई हाई करके बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब सांस नहीं आ रहा होता ना, तो ऐसी कैफियत होती है मैं डूबने लगा हूँ और मरने लगा हूँ, सारी कोई काश आके सारी चीज़ें मेरे से ले ले, मेरी सारी दौलत ले ले, मुझे सुकून का सांस आ जाए। गुजरों ने कोई तैराकी सीखी होगी, नहाते होंगे नहरों में, कभी गोते भी आएंगे, उनको अंदाज़ा होगा कि जब गोते लगते हैं तो कैसी कैफियत इंसान में पैदा होती है, कैसे डूब रहा हो। तो मेरे दोस्तों ये बात कहने का मकसद यही है कि रूह की मेहनत क्या है, जैसे वो भाई साहब ने कहा ना, शऊर की मंजिलें हैं और आखिरी मंजिल जो है तो इंसान किसी को बदलाने के लिए जुल्म नहीं करे तो उसको माफ़ करके तब दोस्त बना रखा है, लेकिन ये शऊर आएगा कैसे? शऊर की मंजिलें तो हमने बयान कर दी, लेकिन शऊर आएगा कैसे? रूह की बीमारियाँ, असर, फीवर, भूगस, भूबेजा, भूबेमाल, अपने आप ऊँचा करना, हसन करना, दूसरा मेरे से आगे निकल जाए, अपनी खातर औरों को ख़राब कर देना, मैं माल आ जाऊँ, मेरे पास माल आ जाए, भले किसी भूख मरता तो मर जाए, ये भी सारी रूह की बीमारियाँ हैं, जिसमें बीमारियाँ ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, जो भी बीमारियाँ हैं इनका सब इलाज हम कर रहे हैं। रूह की बीमारियाँ हैं, इनको भी हमने रूह से निकालना है, ताकि रब रूह इस दुनिया से जाए तो पाक और साफ हो जाए, क्योंकि अब रूह निकलेगी तो दो मुकाम हैं, मुकाम नीन, मुकाम सिजीन, नेकों की रूह नीन में जाएगी और पदों की रूह सिजीन में जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारे पास दुनिया की सारी नेमतें भी हो गई, हमारे पास बैंक बैलेंस भी हो गए, हमने गाड़ियाँ भी बना ली, बड़े बड़े प्लाट भी बना लिए, लेकिन इन सब चीज़ों की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं। अल्लाह के यहाँ कदर तो है कि इसके दिल के अंदर ईमान कितना है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ ईमान के गुणों की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से नहीं होता, सेहत भी अल्लाह के खजानों से आती है, इज्जत भी अल्लाह के खजानों से आती है, बीमारी भी अल्लाह के पास तरफ से आती है। ये बात जो हम कह रहे हैं, ये ज़बानों के बोल हैं, ये हमारे दिल में उतरे, दिल के अंदर से उठे कि अल्लाह तू मेरे साथ है तो मेरे मसले हल होंगे, और तू मेरे साथ नहीं तो मेरे मसले नहीं होंगे। मौलाना अहमद गलबी बात नहीं करूँगा, आपके सुनों से पहले होकर बैठ के बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना अहमद लाहौरी बहुत बड़े एक वलीला गुजरे हैं, 1962 में इनका इंतकाल हुआ, लाहौर की तरीक का सबसे बड़ा जनाजा था उनका। लाहौर की तरीक में दो ही बड़े जनाजे गुजरे हैं, एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद दूसरा मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और ट्रेन चलने वाली है और मेरा एक पाँव पायदान पे है, ट्रेन रेंग रही है, दूसरा पाँव मेरा भी ज़मीन पे है, कोई मुझसे आके पूछे अहमद अली इस्लाम क्या है, इससे पहले कि मेरा दूसरा पांव ऊपर जाए मैं इसको बताऊंगा, बता दूंगा कि इस्लाम तीन चीज़ों के नाम है, अल्लाह को इबादत से और रसूलुल्लाह को अताअत से और मखलूक पर खिदमत से लाजिम करो। जैसे कुरान का भी एक खुलासा है, अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए दिखावा ना हो और अल्लाह और उसके बाद क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत होगी हमारे बेड़े पार होंगे, अदरवाइज पर दूसरे से बेड़े गर्क हो जाएंगे, और मखलूक की खिदमत अल्लाह के पास पहुंचने का सबसे जो शॉर्टकट है ना उसकी मखलूक की खिदमत है। तो आप लोग जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, आप अपना भी माइंड चेंज करें कि मैं बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, बिजनेस तो करेंगे अल्लाह रिजल्ट भी देगा, लेकिन लोगों की खिदमत का जज्बा हो, मैं लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ और ये करेंगे तो इंशाल्लाह ये आदमी किसी की खिदमत करता है, अल्लाह के लिए करता है, अपना मुसलमान भाई समझ के। तो बड़े बड़े मैंने देखा धंधे गुजारों से भी आगे निकल जाते हैं। एक फैशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने खुश होकर उसकी मफरत कर दी, प्यासे इंसान को पानी पिलाएगा उसको क्या मिलेगा, प्यासे मुसलमान को पिलाएगा उसको क्या मिलेगा। और ये एक आदमी इस कोशिश में लग जाए कि सारे इंसानों की हमेशा की प्यास बुझ जाए, आखरत की प्यास बुझ जाए, मरते वक्त की प्यास बुझ जाए, उसको क्या मिलेगा। तो मेरे दोस्तों ये लोगों की फिक्र करना, लोगों की दुनिया की पंजे और आखरत भी, ये नबियों का काम था, नबी काम करते थे, अब नबी
तो आना नहीं है, और ये काम हमारे जिम्मे है, मुसलमान है। अगर सोचे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नबी भी नहीं आना, हिंदुओं ने भी नहीं करना, ईसाइयों ने भी नहीं करना। हमारी पहचान एक मुसलमान है, हम एक मुसलमान डॉक्टर हैं, हम मुसलमान एक जेलमैन है, हम मुसलमान एक ताजर है। जहाँ जाए हमारी पहचान तो पता लगे बंदा मुसलमान है, और ये अपने अल्लाह की मान के चलने वाला है, और सल्लल्लाहु के तरीके पर चलने वाला है। एक आदमी मुसलमान हुआ, पाकिस्तान जमात में आया, किसी ने पूछा कि कैसे मुसलमान हुए? उसने कहा जी मुझे किसी ने दावत करी थी, मैं एक एटीएम मशीन पे खड़ा था, तो मेरे आगे एक आदमी खड़ा था, उसकी दाढ़ी थी, सर पे अमामा था, तो मुझे लगा शायद ये मुझे ऐसे शख्स मुसलमान है। उसने एटीएम से पैसे निकाले, तो उसने पैसे थोड़े निकाले, निकले ज़्यादा, एटीएम मशीन ख़राब थी। उसने सब को रोक दिया और एटीएम मशीन वालों को कॉल किया कि आपकी मशीन गलत काम कर रही है। वो आए, उन्होंने उसको ठीक किया, और उन्होंने मेरा शुक्रिया, उस बंदे का शुक्रिया अदा किया, उसने कोई बात नहीं। तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मुसलमान लोग होते हैं ईमानदार होते हैं, और इस बात ने मुझे मुतासर किया कि मैं मुसलमान की तरफ मुतवज्जा हुआ। तो मुसलमान तो चलता फिरता लोगों के इस्लाम में लाने की मशीन है, लेकिन इसकी अपनी ज़िंदगी में अगर दीन होगा तो। आज हम अगर रुकावट बन के खुद ही खड़े हैं, एक आदमी मुसलमान हुआ, जो से बात कहने लगा कि मैं तो मुसलमान हुआ था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख के मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में दीन नहीं। तो मेरा मैं बात ख़त्म करता हूँ, बस आज ही हम तय करें कि हम जैसी भी ज़िंदगी गुजरी, आप सारे नौजवान हैं, आप मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नवाजी, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, दीन को अपनी ज़िंदगी में भी लाना है। किसी की मलामत की परवाह नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे कि मौलवी हो गया है, इसने दाढ़ी रख ली है, ये ऐसा हो गया है, हमने लोगों के लिए देखना, हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर चलना है। सुभान अल्लाह, हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, भले हम कमज़ोर हैं, हम नमाज़ें भी कमज़ोर हैं, अमान भी कमज़ोर हैं, लेकिन हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा दोस्त। एक शायर था, एक पाकिस्तानी शायर था, वो शराब बहुत पीता था। अब एक महफिल में मुशायरे के बाद ख़त्म हुआ और शराब पी के आउट हो गया। अब वो आउट हुआ और मजाक कर रहा है कुछ नौजवान उसके पास बैठे, और कह रहे कि इकबाल के बारे में क्या राय है। तो कहने लगा वो तो कल का बच्चा है, आज अगर शराब था तो हमारा शगीर्द होता। गालिब के बारे में क्या राय है, तो सब के बारे में मुख्तलिफ और फौर बक रहा था। एक बीच में कोई कादियानी बैठा था, उसने बीच में सवाल किया कि मोहम्मद के बारे में क्या राय है, मोहम्मद के बारे में क्या राय है। उसका ख्याल था और फौर बकरा दिए तो और फौर बकेगा। उसने अचानक अपनी ऐसी आँख हुशियार हुआ और अपनी आँखें खोली। सर गुजारिश है शुरू से ये वाकया पढ़े, शुरू से गुजारिश है। मैं एक वाकया सुना रहा था इस रेफरेंस के साथ कि भले हम जैसे भी हैं, बदअमाल हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हमें अपने प्यारे नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बेशक। तो एक शायर का वाक्य था, वो शराब पी के मनामी पे लेता, उसका आउट हो जाता था। एक मुशायरे में आया, शराब ज़्यादा पी ली, मुशायरा ख़त्म हो गया, आउट हो गया। अब मुशायरा ख़त्म हुआ, लोग चले गए, जो नौजवान बैठे वो भी साथ बैठा। अब कोई से पूछता इकबाल के बारे में क्या राय है, तो कहता वो क्या शायर था, उसे क्या पता शायरी क्या होती है। गालिब के बारे में क्या राय थी, वो शायर आज के दौर में होता तो हमारा शगीर्द होता। अब एक कादियानी लड़का बैठा था, उसने अचानक सवाल कर लिया मोहम्मद के बारे में क्या राय। अब वो अचानक उसने ऐसी आंखें खोली जैसे एक्टिव हो गया, उसके हाथ में ग्लास था, देख के उसके मुंह पे मारा, कहा तेरी जुड़त कैसे हुई इस गंदी महफिल में मेरे नबी का नाम से बांट के लाए। एक ही तो चीज़ है मेरे पास, वो तुम उसे छीना चाहते हो, निकालो इसको यहाँ से निकालो। उसको उठा दिया और खुद भी उठ गया, घर तक आने तक रोता आया और ये कहते आया एक ही तो चीज़ है मेरे पास, एक ही तो चीज़ है मेरे पास। तो मेरा जुड़ो भाई दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से है, अपने अल्लाह से है। अभी पता कैसे चलेगा कि मोहब्बत है कि नहीं। एक बेटा अपने बाप से कहे बड़ी मुझे बड़ी मोहब्बत है आपसे, कहे बेटा मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरे सिर दबा दे। अब्बा जी मोहब्बत बड़ी लेकिन मैंने आप नींदर आ रही, मैं सर नहीं दबा सकता। तो दोस्तों दावे मोहब्बत है, इससे मोहब्बत होती है। आप नौजवान हैं, आप इसके मोहब्बत है तकादे ज़्यादा समझते हैं, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी एक एक अदा से मोहब्बत होती है, उसका नाम लेने में मज़ा आता है।
कभी ऐसी मोहब्बत अपने अल्लाह से या फिर रसूल से हो जाए तो मेरे दोस्तों दुनिया तो इतनी ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त भूटान का सबसे बड़ा डॉक्टर वेंटिलेटर पर है, पाकिस्तान से सीनियर तीन डॉक्टर तीन डॉक्टर्स को बचाने के लिए, और लेकिन अल्लाह का हुक्म होगा तो बचेगा मेरे दोस्त। तो अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, मौत का किसी को पता नहीं है किस जगह में आ जाए, मौत ने ना जवानी देखी है और ना बुढ़ापा देखी है, हमारे सामने कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले वक्त आए और मेरे दोस्त हम कलमे को पढ़ते दुनिया से जाए, हमारी रूह कलमा पढ़ती जाए ताकि आकर के सारी मंजिल साफ हो जाए मेरे दोस्तों। तो आज मैं तो आज सब तौबा करें, जैसी ज़िंदगी गुजर गई है ना इस पर तौबा, और आज की ज़िंदगी तेरे हुक्म पे गुजारेंगे, तेरे लगी गुजरने के तरीके पे गुजारेंगे, और किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और पता लगेगा किससे डील करेंगे कि ये तो मुसलमान है भाई, ये तो वाकई बड़ी मोहब्बत से बात करने वाला है। इंडोनेशिया में चंद ताजर आए, अपनी मोहब्बत से और ईमानदारी से तैयारत की, सारा इंडोनेशिया को देखकर मुसलमान हो गया, उन्होंने लंबी छोड़ी तकदीरें नहीं की, उनके कॉल ऑफ फेम में उनके तरीके से उनसे मोहब्बत करने से वे लोग सारे इंडोनेशिया मुसलमान हो गया। हम भी मेरे स्वास्थ्य तय करें इन अल्लाह की मान के चलेंगे, पूरे कंसलसल के तरीके से चलेंगे, और इन खुद भी इस पर आएंगे और औरों की प्यार मोहब्बत से इसकी तरफ लाएंगे। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ मुसलमान की शनात शौर की तीसरे शौर की बात थी, वो है वो मंजिल, जिसमें एक बुजुर्ग थे ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, किसी ने उनके से राख फेंकी, खिदारी में राख गिरी, कपड़ों पे गिर गई, उसको झाड़ा और अपने साफ करके अपने आप को मुखातब हुए, अपने आप को कहने लगे तू तो जहन्नम में जलाए जाने के काबिल है, थोड़ी सी राख क्या गिरी के मुश्ताइल होता है। तो मेरे दोस्तों हम क्या हैं हमें पता है, हम कितने बने कहाँ हैं, हम अपने गुनाह को आप खुद जानते हैं, और अभी हम लोगों पे करें, मुसलमान कभी किसी को गाली नहीं देता मेरे दोस्त। एक आदमी काबे को जाके गिरा दे थोड़े से उसकी दीवार को, ये कम बड़ा गुनाह है, मुसलमान को माँ की गाली देना उससे बड़ा गुनाह है। एक हदीस का मफहूम बयान करके बात खत्म करता हूँ, आप सर ने एक बार फरमाया कि जन्नत में गोया ऐसे बाला खाने हैं यानी चुबारे हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि गोया शीशे के बने हुए हैं, अंदर से बाहर की चीज़ नज़र आती है, बाहर से अंदर की नज़र आती है। साहब ने पूछे यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किन के लिए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों से दूरशोई से बात ना करें, लोगों से दूरशोई से बात ना करें, यानी हर बात करें तो मोहब्बत से करें, मोहब्बत से करें, तो असल चीज़ ये मोहब्बत, हर मुसलमान की दिल में मोहब्बत हो। तो सब कोई जुड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया जो मुझसे कटे मैं उसे जोड़ूँ, सुभान अल्लाह, जो मुझसे कटे मैं उसे जोड़ूँ, जो मुझे महरूम करे मैं उसको अता करूँ, सुभान अल्लाह, जो मुझे महरूम करे मैं उसको अता करूँ, और जो मुझ पर जुलम करे मैं उसको माफ़ करूँ, जुलम करे मैं उसको माफ़ करूँ। कल क़यामत के दिन एक मुसलमान से कहा जाएगा जिसने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, गुस्सा आया जायज़ बात पे फिर भी अल्लाह के लिए कंट्रोल कर लिया, तो कहा जाएगा जहाँ जो हो तुझे अच्छी लगती है अपने लिए पसंद कर, मेरे तुम्हारे दोस्त है मुसलमान की नमाज में पढ़ता हूँ ये मेरा अपने अल्लाह से तलक है, हज में करता हूँ मेरा अल्लाह का मामला है, कहा देता हूँ मेरा अल्लाह का मामला है, लेकिन जब नज़र आएगा वो तो मुसलमान का इख्तलाफ और मुसलमान की ज़िंदगी होगी, इससे देख लोग मुतासर होंगे। मेरे दोस्तों किसी को गाली नहीं देनी, मोहब्बत से प्यासा रहना, हम कुछ भी नहीं है, मैं जितना बड़े फन्ने खाऊँ आपकी पेशाब बंद हो जाए सारी फन्ने खाएँ निकल जाए, डॉक्टर की मेहनत करने लगेगा, डॉक्टर खुदा वास्ते मेरा कुछ करो, मैं बीमारी में पड़ा हूँ सब बीमार हूँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बेटा आगे कहे अब्बा जी मैंने एक नई कोटी खरीदी है मेरे लिए ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरे लिए बराबर है, एवरीथिंग वन बी प्राइड बाई जीरो इज जीरो, किसी चीज़ को भी आप जीरो से जरा दें वो जीरो हो जाती है, डेथ इज ए बिग जीरो, जब मौत आएगी सारी चीज़ धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। मियाँ मोहम्मद अब का शेर है ना, मियाँ पुत्र दे भैन भरा, मियाँ पुत्र भैन भरा सब हाथ मैदान तो डर दे, प्यार पसार प्या बिच वेड़े ते नुकटो कटो कर दे, हर बार खो के मिट्टी दे पांदे कर दे फेरू चेहरा,
बनाने के बाद क्या करते हैं, हर आदमी मिट्टी उठा के डालता है उस पर सादे समझ के, जब ने दफना दिए छोड़ो मैं भी हाथ डाल दूँ मिट्टी उसके और डाल दूँ। हर बार वो मिट्टी दे पांदे करते फेर उखेरा, मंग दुआ घरा में जाने तुरंत ना पावन फेरा, अगर दुआ को चले गए अभी तो सब किसके पास टाइम है। एक आदमी बॉन्ड प्राइस बॉन्ड का बिजनेस करता था, उसी दिन पूरा अंदाजी हुई बड़ा करोड़ों का बिजनेस था। सुबह बाला साहब का इंतकाल हो गया, अब वो एक आदमी आया वो दफनाने के लिए चक्कर में बैठे दोनों के बाद जनाजा होगा, तो एक आया उसने उसने कहा भाई वो आज गुड़ंदाजी हुई है बॉन्ड देखे तो नहीं तुमने, कहते यार ठीक से फारे बोलने भी देखेंगे तो जिनके लिए हमने सब कुछ लगा दिया फिर दोस्तों के पास तो टाइम नहीं होगा, तो हम सेल्फिश हो जाए थोड़ा सा अपनी आफत के बारे में और अल्लाह से मोहब्बत के बारे में। और आज से मेरे दोस्तों हम कौन है, मैं तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हूँ, आप सब मोहब्बत करने वाला हूँ और अल्लाह के दीन को प्यार करूँगा। इंशाल्लाह हम सारे गुनाहगार हैं लेकिन अल्लाह को गुनाहगार बहुत पसंद है कि गुनाह भी करे तौबा भी करे। अल्लाह हम सबको हमारी जवानियों को अपने दीन के लिए कबूल करवाए, हमारी सलाहितों को अपने दीन के लिए कबूल करवाए। जवानी लग जाएगी अगर अल्लाह के दीन पर लगे कीमती बन जाएगी बना जाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्यार किया। अल्लाह।